दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई मूवी बॉक्स ऑफिस में जितना कलेक्शन करती है उसमें से सिनेमा हॉल ओनर को कितना मिलता है और मूवी प्रोड्यूसर को कितना मिलता है? कोई मूवी बॉक्स ऑफिस में जितना कलेक्शन करती है तो उसमें से सारे टैक्सेस और जीएसटी को निकाल दें तो मूवी का नेट कलेक्शन मिल जाता है, जो मूवी की एक्चुअल कमाई होती है। जैसे कोई मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपए है, उसमें से 20 करोड़ रुपए टैक्स और जीएसटी निकाल दें तो मूवी का नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब देखते हैं कि सिनेमा हॉल ओनर को कितना मिलता है। अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर है तो सिनेमा हॉल ओनर और मूवी प्रोड्यूसर के बीच में 25/75% रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी का नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए सिनेमा हॉल ओनर लेगा और 75 करोड़ रुपए मूवी प्रोड्यूसर लेगा। लेकिन मल्टी स्क्रीन थिएटर के लिए अलग होता है, इसमें वीक वाइज होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरह आप रेंट देकर घर में रहते हैं, ठीक उसी तरह मूवी प्रोड्यूसर सिनेमा हॉल ओनर को पे करते हैं उनके थिएटर में मूवी चलाने के लिए। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी दंगल है, जिसकी वर्ल्ड वाइज कमाई है 21 करोड़ रुपए।